दिसंबर माह से प्रारंभ होने वाली सीटेट परीक्षा 2021-22 के परिणाम को लेकर के छात्रों के बीच काफ़ी आक्रोश है। आखिर इस परीक्षा का जो परिणाम है वो किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है? क्या इसमें जिस तरीके की खबरें आ रही हैं निकल कर के सरकार की क्या चाल है इसमें, और 95% छात्र इसमें फेल होंगे ऐसी भी खबरें निकल कर के आ रही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा रिजल्ट को, और छात्रों के बीच जो कंडीशंस बनेगी रिजल्ट के बाद उसको देख करके एक खतरा भी बना हुआ है कि 120 क्वेश्चंस वालों पर भी खतरा मंडरा सकता है। क्या यूपी टेट का रिजल्ट देने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, जिसके लिए जो है सी टेट का रिजल्ट के मुकाबले यूपी टेट के रिजल्ट से छात्रों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन की टीचर भर्ती की प्रोसेस भी होनी है, तो वो सी टेट के रिजल्ट के बाद होगी। तो कब इसके लिए फॉर्म आएंगे, किस पोस्ट के लिए फॉर्म आएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की सी टेट और यूपी टेट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको लेकर के सरकार के दिमाग में आखिरकार क्या है। तो सी टेट का आपका एग्जाम्स यूपी टेट से पहले ही हो चुका है और अभी तक इसके रिजल्ट की कोई घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर इसका जो रिजल्ट है वो 30 से 40 दिन के अंदर करा दिया जाता है, जब आपका एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पहली बार जो है एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में हुआ, तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होने से फायदा ये होता है कि ऑफलाइन एग्जाम्स के मुकाबले ऑनलाइन एग्जाम्स की जो चेकिंग है वो अच्छे से हो जाती है और रिजल्ट में देरी नहीं हो पाती है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स का फायदा यही है कि रिजल्ट आपका जो है बहुत जल्दी आ जाता है, और इसके लिए जो है ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रोसेस को किया जाता है, क्योंकि OMR की चेकिंग जो है मशीन से होती है, जो ऑफलाइन एग्जाम्स की OMR सीट होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम्स लग जाता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन एग्जाम्स जो है बिल्कुल आपका सेव रहता है सॉफ्टवेयर में, और उसमें तुरंत आपकी जो है चेकिंग हो जाती है। उसके लिए यदि आपका एग्जाम्स आज ख़त्म हुआ है तो उसके 4 घंटे बाद भी आप इसका रिजल्ट जो है दे सकते हैं, इतनी फास्ट प्रक्रिया ऑनलाइन एग्जाम्स में हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स होने के बावजूद भी जिस तरीके से सी टेट का रिजल्ट देती थी CBSE, और CBSE जो है इसका रिजल्ट आमतौर पर 30 से 40 दिन के अंदर आपका दे देती है एग्जाम्स के बाद, तो एग्जाम्स के बाद आपकी जो है यहाँ पर लगभग आप समझ सकते हैं कि दिसंबर में आपके एग्जाम शुरू हुए थे, उसके बाद जनवरी निकल गई और अब जो है फरवरी भी समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता या कोई स्पेशल नोटिस इसके लिए नहीं जारी किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार जो है जहां आपके 5 राज्य में इलेक्शंस हैं, 5 राज्य में चुनाव हैं, उसको लेकर के डरी हुई है। जिस तरीके से RRB NTPC का आपका रिजल्ट घोषित किया गया, तो उसमें क्या था कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको लेकर के यहां पर छात्रों के बीच काफ़ी ज़्यादा नाखुश छात्र देखे गए हैं रिजल्ट को लेकर के, और कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है आपकी इलेक्शंस की वोटिंग को उस तरीके से। तो उसी चीज़ से बचने के लिए सी टेट का रिजल्ट जो है फिलहाल की कंडीशन में रोका जा रहा है। यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपका जो रिजल्ट बनेगा उससे छात्र जो है नाखुश ना हो जाएं, इस चीज़ से डरते हुए सरकार चाहती है कि पहले आपका जो है यहाँ पर चुनाव जो है समाप्त हो जाए और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया जाए सी टेट का। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सी टेट का रिजल्ट जो है इन कारणों से रोका जा रहा है। बाकी इसमें कोई इस तरीके का इश्यू नहीं है कि CBSE को कोई प्रॉब्लम है या आपकी जो है सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या उस तरीके की कोई कंडीशंस है। रिजल्ट आपका तैयार है, रिजल्ट केवल इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि छात्रों के बीच जो है आक्रोश ना बने और चुनाव को प्रभावित ना कर सकें। तो ये सरकार की एक चाल है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें 95% छात्र जो हैं फेल हो जाएंगे, ऐसी जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ रही है, या 120 क्वेश्चंस वाले भी इसमें फेल हो सकते हैं, और यहाँ पर 70 क्वेश्चंस वाले भी इसमें जो है पास हो सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए पास या फेल की,
तो ये एक अनुमान है लोगों का अपने तौर पर, ऐसा नहीं है कि कोई फेल होगा या पास होगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही शो हो पाएगा कि किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, उसके बाद की प्रक्रिया पर ही ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो अभी तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि कौन फेल होगा कौन पास होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 5 से 10 अंकों, सॉरी 10 अंकों का या 10 क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं उलट फेर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके मार्क्स 80 हैं तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो आपके जो है क्वालिफाई हो जाए, 90 मार्क्स आपके कर दिए जाएं, या आपके 100 मार्क्स हैं तो 10 अंक घट करके आपके 90 ही रह जाएं, और आपकी जो है 90 से यदि कम मार्क्स होते हैं तो आप हो सकता है कि डिसक्वालीफाई भी हो जाएं। तो ये कंडीशन तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अब बात करते हैं यूपी टेट, तो देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सी टेट का रिजल्ट अभी जो है चुनाव की इस तरीके की कंडीशंस को देखकर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने 2017 का ही आपका पेपर इसमें जो है डाला हुआ था यूपी टेट का, आपका जो 23 जनवरी को हुआ था, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स उसको लेकर के छात्रों के बीच बने हुए हैं। और जो पिछले आपके रिजल्ट रहते थे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट के, उसके मुकाबले इस बार जो है रिजल्ट में उछाल आएगा, अर्थात रिजल्ट इसका अच्छा बनेगा, क्योंकि पिछला पेपर है वो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है आपके चाहे प्रैक्टिस सेट में शामिल हो जाएं या आपने पिछले पेपर देखे होंगे, तो किसी ना किसी तरीके से छात्रों के बीच साइकोलॉजिकल ये जो क्वेश्चन है फंस जाते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाता है पेपर, और आप जो है इसमें इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जहाँ तक हमारा मानना है कि रिजल्ट में 5 से 7% तक जो है यहाँ पर उछाल होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं जो रिजल्ट यहाँ से 12 से 14% रहता था वो कहीं ना कहीं 20% के आसपास आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट का। तो यूपी टेट से छात्रों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए रिजल्ट जो है तय सीमा पर शायद आपका आ जाना चाहिए, जो 25 फरवरी जिस तरीके से पीएनपी ने डेट दी हुई है यूपी टेट के रिजल्ट की, तो उसी डेट को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का। बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, तो देखिएगा इनमें प्रत्येक वर्ष जो है वैकेंसी निकाली जाती थी जो भी रिक्तियां होती थी, लेकिन 2019, 2020 और 2021 3 वर्षों में आपकी वैकेंसी नहीं निकली है, और 2022 का सत्र आपका अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो 3 वर्षों की जो वैकेंसीज हैं उनको जोड़ करके आपके लिए निकाला जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन में और नवोदय विद्यालय संगठन में। इसमें सभी प्रकार के पद होंगे, चाहे आपका प्राथमिक शिक्षक हो, पीआरटी होता है, और आपका टीजीटी और आपका पीजीटी, तीनों प्रकार की पोस्टों के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे। प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड, बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड सभी जो हैं योग्य रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की भर्ती है, किसी स्टेट वगैरह की नहीं है, केंद्र सरकार में पहले से ही बीएड और डीएलएड या बीटीसी इस तरीके के सभी लोगों को जो है प्राइमरी के लिए यहाँ पर लागू किया था। तो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा यदि आप कमेंट्स करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के सिलेबस अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ सभी योग्य हैं। टीजीटी के लिए बीएड प्लस आपके पास जो होना चाहिए ये होना चाहिए सी टेट क्वालिफाई, सी टेट जूनियर लेवल आपके पास होना चाहिए, सी टेट सेकेंड लेवल का जो आपका पेपर है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और पीजीटी के लिए आपके पास बीएड प्लस पीजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएट ही आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है, यहाँ बीएड के साथ साथ आपके पास पीजी होना चाहिए, और यहाँ जो है आपके पास सी टेट होना चाहिए लेवल 2 का, और आपके पास बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम मार्क्स आपके जो है 50% से प्लस में हो, तभी आप जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी, यदि कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।